हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड ड्रगड़ा पैटीज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, जिससे कि आप भी इसे इजीली घर पे बना पाएं कम पैसे में। इसे आप रमज़ान में या फिर ऐसे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने एक कप ले लिया है सफ़ेद मटर। एक कप सफ़ेद मटर को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। ये देखिए 5 से 6 घंटे बाद ये देखिए मटर जो है वो अच्छे से फूल गए हैं। ये मैंने एक कप लिया था। सबसे पहले हमें इन्हें बॉईल करना है, तो इसे हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। मटर से ऊपर 1 इंच जितना पानी होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर। 2 सीटी में आपकी जो मटर है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। अगर आपके जो मटर है वो ओवर कुक हो जाते तो भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रगड़ा पैटीज में जो रगड़ा का मटर होता है वो थोड़ा ओवर कुक्ड होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और यहाँ पर ये देखिए सारा प्रेशर निकल गया, तो मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए जो मटर है वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका जो छिलका है वो उतर गया है। मैं आपको एक चेक करके दिखा देती हूँ। अभी ये काफ़ी गर्म है, ये देखिए अच्छे से मटर जो है वो कुक हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे अभी हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है पोहा। ये मैंने पतले वाले पोहे लिए हैं, आप इसकी जगह मोटे वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे भिगोना है। तो इसमें हम 1/4 कप जितना पानी ऐड कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये जो पोहे हैं ये सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस इसे हम साइड में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके ठंडा करके मैश कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, काला नमक ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच, सफ़ेद नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक 1 छोटा चम्मच। और ये देखिए यहाँ पर जो हमने पोहे को सोख करके रखा था वो अच्छे से सोख हो गए, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। पोहा ऐड करने से आपके आलू में जो भी मॉइस्चर होगा ना वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, साथ ही साथ ये अच्छी बाइंडिंग भी देगा आलू को। अगर आपके आलू ज़्यादा आपके आलू में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो आप पोहा ना ऐड करें, या फिर आप इसकी जगह 1-2 ब्रेड के स्लाइस भी भिगो कर तोड़ कर डाल सकते हैं। इसमें हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि ये चिपके ना, और इसकी हम टिक्की बनाएंगे इस तरह से। रगड़ा पैटीज़ की जो पैटीज़ होती है, जो टिक्की होती है, वो क्रिस्पी नहीं होती है, तो आप इसे क्रिस्पी बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ये इसी तरीके से होती है, इसका जो टेक्स्चर होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए इस तरह से हम टिक्की बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने टिक्की बना ली, इसे भी हम साइड में रखेंगे, बाद में करेंगे इसे शैलो फ्राई। पहले हम यहाँ पे रगड़ा बना लेंगे। इसके लिए पैन में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसे हम गरम कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 2 चुटकी डाल देंगे हींग। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे आप ज़रूर ऐड करिएगा। और इसके बाद इसमें जाएगा 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसे हम 10 सेकेंड के लिए सौते करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है रगड़ा में, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, इसे ज़रूर ऐड करिएगा। इसे भी हम 30 सेकेंड्स के लिए सौते कर लेंगे। और अब हमने जो मटर को बॉईल करके रखा था वो यहाँ पे डाल देंगे सारा, पानी के साथ आपको डाल देना है, पानी निकालना नहीं है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम पर हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें लास्ट में नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, साथ ही में डाल देंगे काला नमक।
और सफ़ेद नमक हमने इसे बॉईल करते टाइम भी ऐड किया था, तो आप नमक ध्यान से ऐड करें। मैंने इस टाइम काला नमक ऐड किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका चाट में। तो मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम पे करके हमें इसे पकाना है जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता, इसका पानी जो है वो थोड़ा सूख नहीं जाता, 5 से 10 मिनट लग जाएगा। और इसे हम हल्का हल्का सा इस तरह से मैश भी कर देंगे जिससे कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए, आप इसे हल्का हल्का सा इस तरह से मैश कर दें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकाया है मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं जो रगड़ा है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटा चम्मच और चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा जो रगड़ा है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। मिक्स करेंगे इसे, हम इसे कवर करके हम साइड में रख देंगे। और अब हम अपनी टिक्की को फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। तो तवे पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से फैला देंगे हम। और इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से टिक्की रख देंगे और इसे हमें शैलो फ्राई करना है जब तक कि दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हमें इसे शैलो फ्राई कर लेना है। गैस का जो फ्लेम है वो हम मीडियम पर रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर टिक्की पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, दोनों साइड से ये अच्छे से शैलो फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए अब हम रगड़ा पैटीज को सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट पे डाल देंगे पहले रगड़ा, इसे अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे टिक्की को। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे थोड़ा सा रगड़ा। और अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज। इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी, ये मैंने अमचूर से बनाई है जो कि 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, और थोड़ी सी हरी चटनी। दोनों चटनी का जो लिंक है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे नायलॉन सेव। और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, गार्निश कर देंगे इसे हम हरे धनिए से। तो बस रेडी हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी रगड़ा पैटीज। तो आप भी इसे ट्राई करें, इसे रमज़ान में बनाएं या फिर ऐसे भी बनाकर इंजॉय करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।